हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। इफ यू आर न्यू हेयर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज करना है। उसके साथ आप ये मेकअप बेस आप देख सकते हैं, मैंने ये मेकअप मैंने भी किया है ब्यूटी ब्लेंडर से, और आपको कैसे यूज करना चाहिए कैसे नहीं यूज करना चाहिए तो आज मैं उस वीडियो में बताऊंगी। और फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर कर दो। चलिए बिना लेट के उस वीडियो को स्टार्ट करते, तो लेट्स गो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें पानी ले लेना है, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को आपको उसमें सोक कर देना अच्छा खासा। 5 मिनट के लिए आपको ऐसे करना है। देखिए मेरा एकदम अच्छे से भींग गया, मैं आपको साइज़ भी दिखाऊंगी। तो अच्छे से आपको निचोड़ना है, अच्छा खासा निचोड़ना है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा हल्के से, नहीं आपको अच्छा खासा निचोड़ना है। तो देखिएगा इसकी साइज़ देखिएगा, तो देखिए कितना छोटा था और फूलने के बाद कितना बड़ा हो गया है। तो देन उसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन से पहले मैंने सब लगा लिया, अभी जो भी होता है प्राइमर, कंसीलर, जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह। तो ये देखिए, अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है तो आपका बेस बहुत ही अच्छा होगा। अगर ब्यूटी ब्लेंडर ही नहीं अच्छा है तो फिर आप अगर उसको शोक नहीं करोगे तो जितना भी फाउंडेशन है ब्यूटी ब्लेंडर शक कर लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको शोक करो, और उससे अच्छा आपका बेस जो बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा। तो देखिएगा आगे कि कितना अच्छा मेरा बेस बनेगा। और ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो ये रहा, देखिए कितना अच्छा बेस मेकअप हुआ है। तो ज़रूर से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई वीडियो रिक्वेस्ट है सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून, बाय।